हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एम एस एडवाइजर में। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को जो बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे टीईटी को रिजल्ट को बढ़ाने को लेके कि आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, तो उन लोग जो वैसे जो गिरोह थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है कुछ लोगों को, तो उसी के बारे में पेपर में कुछ निकाला गया है तो उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। बताने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे ही टीईटी सेटेट को भी नहीं होता आपको हम बताते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है टीईटी के रिजल्ट को लेके जो आप लोगों को कॉल्स आते थे नंबर को बढ़ाने को लेके, तो देखिए उन लोगों में से देखिए कुछ मास्टरमाइंड को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि कल का जो न्यूज़पेपर था उसमें लगभग सभी न्यूज़पेपर में दे दिया गया है। मैं एक्चुअली बाहर था तो मैं आपको नहीं बता पाया कल, तो चलिए आज मैं बताता हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर को कल का। तो देखिए आज चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या दिया गया है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने कि कमेंट्स करके बताए थे कि हाँ ऐसे कॉल्स आ रहे थे, और बहुत लोगों ने तो नंबर ही बताया था कि इस नंबर से कॉल आ रहे हैं, तो उन लोगों का मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा दोस्तों। क्योंकि आप लोग जब किसी बात को उठाते नहीं हैं या फिर बताते नहीं हैं तो वो बात जो आगे तक नहीं पहुँच पाता है। तो चलिए आप लोगों का मैं मानता हूँ कि ये आप लोगों का बात जो है आगे तक पहुँचा है। तो देखिए क्या देखिए पेपर में दिया गया है, चलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ सबसे देखिए ऊपर में दिया हुआ है, गिरोह का पर्दाफाश, अभ्यर्थियों को फ़ोन नंबर कर नंबर बढ़ाने का देता था झांसा, लैपटॉप मोबाइल व पासबुक बरामद। उन लोगों के पास से देखिए बहुत सारे मोबाइल्स और पासबुक बरामद हुए हैं और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है, टीटी के साथ था गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। जो इसके मास्टरमाइंड थे वो अभी फरार हैं और जो उससे नीचे सब जो थे वो लोग को साथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए ये जो मेन जो गिरफ्तारी हुआ है नालंदा शेखपुरा में छापेमारी कर पुलिस ने की गिरफ्तार। नालंदा में चल रहा था ठगी का कार्यालय, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। और देखिए जो अब देखिए डिटेल में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, पुलिस ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में नंबर बढ़ाने के नाम पर फ़ोन पर ठगी करने वाले गिरोह के सात सदस्यों को नालंदा नवादा व शेखपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों के पास से पुलिस की टीम ने अभ्यर्थियों के नाम व फ़ोन लिस्ट, 15 मोबाइल, प्रिंटर, पासबुक, लैपटॉप आदि बरामद किए गए। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का जो लिस्ट था और वो उसका जो फ़ोन नंबर वो फ़ोन नंबर जो कि आप फॉर्म फिल करते समय दिए थे, तो वो इन लोगों के पास कैसे आया? तो कहीं ना कहीं जो टीईटी के इंटरनल स्टाफ को जो है मिले रहने का कि इन लोगों से मिली भगत है, तो कहीं ना कहीं यह शक के घेरे में है। और देखिए आगे लिखा हुआ, यह गिरोह नंबर बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों को फ़ोन कर यह जानकारी देता था कि उसका रिजल्ट पेंडिंग में है और वह अगर पास होना चाहता है तो रुपये दें, अगर अभ्यर्थी तैयार हो जाता तो उसे एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता था और उसे उस पर पैसे डालने को कहा जाता था। देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं आप, और बोला जा रहा है कि जो है आपका जो है 5 नंबर 10 नंबर कम है या फिर आपका इतना नंबर है इतना पैसे देंगे तो आपका जो है रिजल्ट बढ़ा दिया जाएगा और फिर आपका टीईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत सारे पैसे मांग रहे थे। तो आगे पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। इस तरह के इस गिरोह ने दर्जन लोगों को हज़ारों रुपये वसूले थे, साथ ही अभ्यर्थियों को इम्प्रेशन करने के लिए यहाँ तक जानकारी देते थे कि वे लोग एसएसपी मन्नू महाराज के साथ खाना पीना खाते हैं और कई अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अब देखिए ये लोग करते क्या है, अब देखिए आपको कॉल ऐसे कोई करके पैसे मांगेंगे तो आप तो नहीं देंगे, तो आपका जो कुछ ना कुछ वो बताते हैं ऐसे कि आपका ये नाम है, आप यहाँ से हैं, क्योंकि ये लोग जो है डाटा जो है अंदर से ये लोग ले लेते हैं कुछ इंटरनल स्टाफ को पैसे दे के या फिर इस तरह से कुछ करके, और ये लोग आप लोगों को फिर बताते हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, उन लोगों को मैं पैसे देता हूँ, तो ताकि जो आपको इसके ऊपर बिलीव हो और फिर आप जो इसको जो पैसे दें। तो देखिए आगे लिखा हुआ है कि उनसे मिले पैसे तुरंत टीईटी के अध्यक्ष के खाते में जमा कर दिया जाएगा और उनका नंबर बढ़ जाएगा। गिरोह की ओर से नंबर बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों से 50,000 से 1,00,000 तक डिमांड किया जाता था। तो वही आप लोगों को जो फ़ोन करके बोलते थे कि हाँ आप पैसे भेज दें तो उनका पैसा जो है टीईटी के जो अधिकारी उनको चला जाएगा या फिर बड़े बड़े आदमी को चला जाएगा, ताकि आपको विश्वास हो। और इसमें देखिए दिया हुआ है कि 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का पैसे का डिमांड किया जाता था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट्स था कि नहीं किसी से 5,00,000 10,00,000 15,00,000 20,00,000 तक जो है मांगे थे पैसे जो है, तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। तो इन जितने भी कमेंट आए थे फिर उन बातों को फिर आगे बढ़ाया गया था। तो देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, नंबर बढ़ाने का कर रहे थे गोरख धंधा,
यह गिरोह मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद फ़ोन कर छात्रों को नंबर बढ़ाने के नाम पर वसूली कर रहा था। जैसा कि देखिए मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी इन लोगों ने ऐसा किया था कि स्टूडेंट को जो है फ़ोन करके जो है नंबर बढ़ाने को लेके फ़ोन किया जाता था, उन लोगों से पैसे ले जाते थे। और देखिए मैट्रिक और इंटर का भी कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों ने जो है डाटा जो है मतलब बिहार बोर्ड से बाहर करवाया था ताकि उन लोगों को ये लोग फ़ोन कर सके, और फ़ोन के बहुत सारे वसूले भी थे। और फिर जब TET की परीक्षा हुई तो उनसे नंबर बढ़ाने के लिए फिर से कैंडिडेट के नाम और मोबाइल नंबर का जुगाड़ कर उन लोगों से ठगी चालू कर दी। आखिर ये देखिए सबसे बड़ी बात है, जुगाड़ करता कैसे है? कोई ना कोई तो बिहार बोर्ड का ऐसा स्टाफ मिला हुआ है जो कि पैसे लेता है और जितने भी स्टूडेंट का डाटा होता है वो जो है इन लोगों को दे देता है, तभी तो ये लोग जो है इतने बड़े पैमाने पे ये सब काम करते हैं। जबकि न्यूज़ में देखिए पहले बहुत बार ऐसा चीज़ आ चुका है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है ये सब काम करना बंद नहीं किए हैं, यहाँ तक कि अभी तक जो है स्टूडेंट को फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। जो है इस संबंध में कोतवाली थाने के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, उसमें जो है किशोर जी ने जो है खुद जो है बताया था कि हाँ ये जितने भी कॉल्स के जो मामला आ रहा है तो इनको जो है थाना में जो है बोल दिया गया है, इसके ऊपर जो है केस दर्ज करा दिया गया है। तो देखिए ये सब कारण से फिर आप लोगों को मैंने बोला था कि जो है अगर आप लोग ऐसे कॉल्स आते हैं तो TET को मेल कीजिए, तो शायद आगे कुछ ना कुछ देखिए बात बढ़ेगा, या फिर आप मुझे बताइए। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके बताए भी थे, और देखिए बात देखिए आगे बढ़ा। तो चलिए सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो कुछ ना कुछ जो है सुधार तो ज़रूर होगा। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है, लैपटॉप में कई राज बंद हैं, लगातार आ रही शिकायत के बाद SSP मनु महाराज के निर्देश पर एक टीम बनाई गई और नालंदा व शेखपुरा में छापेमारी की गई। इस दौरान शेखपुरा में रहीचा गांव से 2 पकड़ा गया और फिर उनकी निशानदेह पर 7 को गिरफ्तार किया गया। देखिए पहले देखिए 2 लोगों को पकड़ा, फिर उन लोगों से पूछताछ करके जो है फिर टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों के पास से 1 रजिस्टर में बरामद की गई। इन रजिस्टर में इस बात का जिक्र है कि किन किन अभ्यर्थियों से कितने राशि ली गई है और कितने से अभी तक लेना है। तो देखिए सबसे बड़ा जो लिस्ट जो था कि कितने अभ्यर्थियों से कितने पैसा लिया गया अभी तक और कितना पैसा लेना है, तो वो लिस्ट जो है पुलिस के हाथों लग गया है। तो चलिए ये सब चीज़ का जो पूरा जो है अच्छे से जितना भी जानकारी अच्छे से बाहर आ जाएगा कि आखिर कौन इसके अंदर मिला हुआ है, क्योंकि 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो कुछ ना कुछ उन लोगों से पता चलेगा जो है। साथ ही उनके पास से बरामद लैपटॉप में कई राज बंद हैं, लैपटॉप का अध्ययन किया जा रहा है। पकड़े गए युवकों ने पुलिस को जानकारी दी है कि उनके ही गांव के 4 युवक मास्टरमाइंड हैं और वे लोग अभ्यर्थियों के नाम व पते की लिस्ट, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पासबुक, ATM कार्ड उपलब्ध कराते थे। इसके बाद वे लोग इन अभ्यर्थियों को फ़ोन कर नंबर बढ़ाने का पैसे मांगते थे। तो देखिए इन लोगों की सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के पास तो उस अभ्यर्थियों का लिस्ट कैसे आता है, फिर ये देखिए फर्जी नाम पे सिम कैसे आता है, और फिर ये फर्जी पासबुक ATM कार्ड कहाँ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ बैंक के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, TET के इंटरनल स्टाफ मिले हुए हैं, और फिर जो सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उनकी या फिर उनका भी जो कुछ स्टाफ वो भी मिले हुए हैं इसमें। तो ये सब चीज़ देखिए बड़े बड़े राज जो है खुलने वाले हैं। और फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड बैंक और मोबाइल कंपनियों के कर्मचारी पर भी शक। जैसा कि मैंने आपको बोला बिहार बोर्ड बैंक और मोबाइल कंपनियों के कर्मचारी पर भी शक के घेरे में है। इन जलसाजों के पास कई अभ्यर्थियों के नाम व मोबाइल नंबर का लिस्ट मिली है जो बिहार बोर्ड के पास ही रहती है। किसी कर्मचारी ने ही वह लिस्ट जलसाजों को उपलब्ध कराई होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि वहाँ के इंटरनल स्टाफ की जो ये लिस्ट जो है उपलब्ध करा सकते हैं इन लोगों को, नहीं तो इन लोगों के पास कैसे वो लिस्ट आएगा, सोचने वाली बात है। आगे है, इसके अलावा फर्जी नाम व पते पर बैंक खाता खोला गया है। उसके अलावा फर्जी नाम व फर्जी ID पर सिम कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि इन विभागों या कंपनियों के कोई ना कोई जो जालसाजों को सारे सामान उपलब्ध करा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये लोग इतना बड़ा काम तो ऐसे थोड़ी कर लेते हैं, कोई ना कोई जो इंटरनल का बड़ा स्टाफ, जैसे कि अब देखिए बैंक के स्टाफ मिले होते हैं जो कि फर्जी प्रूफ पे इनका जो है अकाउंट खोल दिया जाता है और फिर फर्जी प्रूफ पे सिम कार्ड दे दिया जाता है उस कंपनी का, कोई ना कोई तो ऐसा मिला हुआ रहता है। आगे देखिए SSP वो CT SSP समेत 13 को सम्मानित, बिहार बोर्ड के द्वारा जो है 13 लोगों को सम्मानित किया गया है, पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने कि जिन सब ने इन लोगों को पकड़ा है, तो वही इसमें दिया गया। इसमें देखिए मन्नू महाराज जो कि पटना के SSP, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है 4 मास्टरमाइंड के नाम सामने आया है, उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है।
संभावना है कि संबंधित विभाग या कंपनी के कर्मचारी भी मिलीभगत हैं, यह सारा मिलीभगत से यह सारा खेल चल रहा है। तो देखिए, अब मन्नू महाराज जो SSP हैं, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये जो सारा जो काम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो बड़े लोग जो इंटरनल स्टाफ हैं या फिर बैंक के कर्मचारी हैं, ये सब मिले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह का अगर न्यूज़ से अगर बने रहना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही TTS रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है या फिर रिजल्ट कब आएगा या फिर ऐसा कुछ भी न्यूज़ आता है तो आपको हम बताते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय।